अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आप अपने घरों में खैरियत से होंगे मैं आपका टीचर जमशेद अहमद यू पी एस बहादुरपुरा जोन राज से हूँ आज भी हमारा टॉपिक एम आई टी पार्टी ही है आज हम इसका फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे वंस अपॉन ए टाइम देयर वायर थ्री लिटिल सिस्टर्स द दाउस बिगे इन ए ग्रेट हरी एंड देयर नेम्स वर एलसी ल्यूसी एंड टिली एंड दे लिव्ड एट द बॉटम ऑफ अ वेल एक बार तीन बहनें थी डोरमाउस ने जल्दी जल्दी कहना शुरू किया और उनके नाम थे एल्सी ल्यूसी एंड टिली वो एक कुएं के बॉटम में रहती थी वॉट डिड दे लिव ऑन सेड एल्स एल्स ने कहा वो जिंदा किस पे रहती थी हु ऑलवेज़ took a ग्रेट इंटरेस्ट इन क्वेश्चन ऑफ़ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग वो खाने पीने के सवालों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हमेशा लिया करती हैं करती है दे लिवड ऑन हनी सेट द डोर माउस आफ्टर थिंकिंग ए मिनट और टू एक दो मिनट सोचने के बाद डोर माउस ने कहा वो शहद पर जिंदा रहती थी दे कुडेंट हैव डन दैट यू नो एल्स जेंटली रिमार्कड दे वुड हैव बीन इल वो ऐसा नहीं कर सकती थी एल्स ने कहा क्योंकि वो बीमार पड़ सकती थी सो दे वेर सेट द डोर माउस वेरी इल वो बेमार थी बहुत बेमार डोरमाउस ने कहा एल्स वॉज पजल्ड शी कुडेंट इमेजन हाउ गर्ल्स एट द बॉटम ऑफ ए वेल एल्स उलझन में पड़ गई वो अंदाज़ा नहीं लगा सकती थी कि लड़कियाँ किस तरह कुएँ के बॉटम में रह सकती थी टेक सम मोटी द मार्च एयर टू एल्स अरनेस्ली थोड़ी चाय और ले लो मार्शियर ने एल्स से कहा आई आई हैव हैड नथिंग गेट एल्स रिप्लाईड इन एन ऑफेंडेड टून सो आई नॉट टेक मोर मैंने अभी तक कुछ नहीं लिया एल्स ने कहा इसलिए मैं ज़्यादा नहीं ले सकती हूँ यू मीन यू कैन नॉट टेक लेस सेड हैटर हैटर ने कहा आपका मतलब यह है कि आप कम नहीं ले सकती हो आप थोड़ा नहीं ले सकती हो इट इज़ वेरी इजी टू टेक मोर दैन नथिंग ये बहुत ज़्यादा लेना आसान है थोड़े थोड़ा सा लेने में थोड़ा सा लेने से ज़्यादा लेना आसान है नो बड़ी ऑस्कर यूर ओपिनियन सेट एल्स एल्स ने कहा आपकी राय किसी ने नहीं पूछी हु इज़ मेकिंग पर्सनल रिमार्क्स नाउ द हैटर ऑस्कर्ड हैटर ने कहा अब जता अब ज़ाती तानाकशी कौन कर रहा है एल्स डिड नाट क्विट नो वॉट टू से टू दिस सोशी हेल्पड हर सेल्फ टू समी ब्रेड एंड बटर एंड देन टर्न टू द डोर माउस एंड रिपीटड हर क्वेश्चन एल्स को बिल्कुल समझ न, समझ में न आया कि वो इसका जवाब क्या दे इसलिए उसने अपने लिए कुछ चाय ब्रेड मखन लिया और फिर डोर माउस की तरफ मुंह घुमाया और अपने अपना सवाल फिर से दोहराया वाट डिड दे दी एट द बॉटम ऑफ वाई डिड दे द एट द बॉटम ऑफ ऑफ द वेल वो कुएं के बॉटम में क्यों रहती थी द डोर माउस अगेन टूक ए मिनट और टू टू थिंक अबाउट इट एंड देन सेड इट वॉज अ हनी वेल डोर माउस ने दोबारा इसके बारे में सोचने में एक या दो मिनट लगाए और फिर कहा यह शहद का कुआं था देयर इज नो सच थिंग एल्स वॉज बिगनिंग टू से वेरी एंगरली बट द दटर एंड मार्च हेयर वेंट शी शी एंड द डोर माउस रिमार्कड इफ़ यू कै नॉट बी पोलाइट यू वुड बेटर फिनिश द स्टोरी फिनिश द स्टोरी फॉर योर सेल्फ वहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं होती एल्स बहुत गु़स्से के साथ कहने लगी थी लेकिन और मार्शियर ने शीशी कहने लगे और डोर माउस ने कह दिया अगर तुम आराम से नहीं रह सकती हो तो बेहतर होगा कि तुम खुद ही कहानी को पूरा कर लो नो प्लीज़ गो ऑन एल्स सेड आई इंटरप्ट यू अगेन नहीं 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 मेहरबानी करके जारी रखिए एल्स ने कहा मैं दोबारा आपको बीच में नहीं टोकूंगी द डोर माउस एग्रीड टू गो ऑन एंड सो दीज थ्री सिस्टर्स दे वायर लर्निंग टू ड्रॉ दे देर लर्निंग टू ड्रॉ यू नो डोर माउस कहानी जारी रखने के रखने के लिए राजी हो गया और इस तरह वो तीनों बहनें खींचना सीख रही थी वट डिड दे ड्रॉ इट फॉर गेटिंग हर प्रोमिस उन्होंने क्या खींचा एल्स ने कहा अपने वादे को बिल्कुल भूलते हुए हनी सेड द डोर माउस डोर माउस ने कहा हनी शहद शहद निकाल रहे थे वो तो बच्चों आज के लिए इतना ही खुदा हाफिज